ये है दोस्तों आल का फूल, सफ़ेद कलर का, पांच पंखुड़ियाँ होती हैं। और ये देखिए उसमें छोटा सा नोनी का फ्रूट लगा हुआ फूल से, देखिए फूल जो है इसके फल के ऊपर ही इसमें दोस्तों लगा हुआ है इस तरीके से, देख रहे हैं। सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान कराता हूँ। लेकिन यहाँ हमारे गांव देहात में जो है, शहर में तो पेड़ पौधे अवेलेबल नहीं होते हैं उतनी बड़ी मात्रा में, लेकिन यहाँ बाग हमारे यहाँ तो काफ़ी दुर्लभ प्रजाति के पेड़ मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको पहचान कराई थी नोनी की, नोनी जो हमारा देसी नोनी होता है, जो शरीफा प्रजाति का फल होता है। तो आज फिर से मैं यहाँ पर आया तो आप लोगों को इसके फल से और इसकी पौधे से अवगत कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों इसको हमारे यहाँ बोलते हैं आल का वृक्ष। आल की छाल जो है हमारे वजन को कम करने में बहुत ही बढ़िया तरीके से सहायक होती है। अगर इसकी छाल का चूर्ण बनाकर हम लोग उपयोग करते हैं मात्रा अनुसार, तो हमारे 10-15 दिनों में ही जो है वजन को काफ़ी तेज़ी से कम करती है। और इसके जो आजकल इसकी हाइब्रिड खेती भी होने लगी, जो आजकल नोनी के फ्रूट्स आते हैं उसमें इसी से ही उसका निर्माण एक तरीके से किया जाता। तो वो जो हमारे शरीर में बहुत ही एनर्जिक होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, एंटी बैक्टीरिया सभी गुणों से युक्त होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको देसी मैं पेड़ पौधों की पहचान कराता हूँ। मुख्यतः मैं भी एक प्रकार का देसी आदमी हूँ और देसी बागों में जाकर आपको देसी पेड़ पौधों की पहचान कराता हूँ। इसका मेरा उद्देश्य यह रहता है दोस्तों, इन पेड़ों को अधिक से अधिक हमको लगाना चाहिए, पहचानना चाहिए। क्योंकि जो देसी पौधे होते हैं उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है और वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो चलिए आपको पहचान कराते हैं आल के वृक्ष की या देसी नोनी की। तो दोस्तों ये है, देखिए नोनी का पेड़, ये मध्यम वर्गीय आकार का वृक्ष होता है। इसके देखिए फल, ये किस प्रकार के फल लगे हुए, एकदम शरीफा की ही डिजाइन, जो बाहरदार फल, एकदम अलग तरीके का इसका फल होता है। देखिए कछुए के आकार का जैसे हो और शरीफा प्रजाति का ऊपर उभार होते हैं इसमें। और इसकी पत्तियाँ ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इस तरीके से पत्तियाँ होती हैं, आगे से थोड़ी हल्की नुकीली और बीच में चौड़ी, आगे पीछे नुकीली। इसका पुष्प देखिए दोस्तों, इस तरीके कितना सुंदर पुष्प आता है। यह है दोस्तों आल का फूल, सफ़ेद कलर का, पांच पंखुड़ियाँ होती हैं। और ये देखिए उसमें छोटा सा नोनी का फ्रूट लगा हुआ फूल से, देखिए फूल जो है इसके फल के ऊपर ही इसमें दोस्तों लगा हुआ है इस तरीके से, देख रहे हैं। जो फल के ऊपर से ही फूल निकलते हैं, जो ये उभार नुमाए होते हैं, इसी से फूल निकलता है, फिर इसे फल बनाता है। तो बहुत दोस्तों सुंदर फूल आता है। इसके अन्य भी बहुत सारे प्रयोग होंगे, क्योंकि यह जो है मेन जो है मेरा उद्देश्य दोस्त था। ये देखिए इसी का सूखा हुआ फूल काले कलर का हो गया, इसमें नीचे गिर गया, फिर ये फल बनने लगा। और जो है दोस्तों इसकी छाल से भी मैं आपको जो पहचान कराता हूँ, क्योंकि जो अपना इसकी छाल देखिए इस तरीके की धारीदार होती है। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद, काली काली, धारीदार इस तरीके से इसकी छाल होती है। इसी दोस्तों छाल का जो है प्रयोग जो है वजन कम करने के लिए सहायक होता है। ये देखिए कई सारी जो है पुष्प जो है फल के ऊपर पुष्प। दोस्तों इस प्रकार हमें इन पौधों को पहचान कर जो है इनका उपयोग भी करना चाहिए, उनको अपने देसी पौधों को संरक्षित भी करना चाहिए, ताकि ये जो है हमारे पर्यावरण में भी सहायक बने। क्योंकि जो पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उन्हीं पौधों का वहाँ होना आवश्यक है। यहाँ अगर हम विदेशी पौधों को ज़्यादा लगाएंगे तो उस प्रकार का अनुकूलन जो है पर्यावरण में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अपने यहाँ जैव विविधता दोस्तों इतनी है। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दोस्तों उगा करते हैं। तो दोस्तों ये था आल का वृक्ष, मैंने आपको इससे परिचित कराया। इसका उपयोग करें, इसको पहचानें अपनी देसी वनस्पतियों को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद।